दोस्तों, अगर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, ये है आपके सामने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। ये मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से इस रिपब्लिक डे सेल पर, और ये प्रोडक्ट जो है ये है एक एक्शन कैमरा, और इसकी जो प्राइसिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अनबॉक्सिंग करूंगा, बताऊंगा कितना यूज़फुल है। मैं आपको बता दूं, ये बजट एक्शन कैमरा है, तो यकीनन कुछ चीज़ें इसमें खास है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अपने खुद के लिए मंगाया है। दैट मीन्स मैंने बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ कंसिडर करके ही इसे मंगाया। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है वो बॉक्स, चलिए इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये बहुत ही खास है क्योंकि मैंने इसको रिपब्लिक डे पे ही मंगाया, मतलब रिपब्लिक डे सेल पर अमेज़ॉन से। ये है आपके सामने ड्रैगन टच 4K अल्ट्रा HD, आप देख सकते हैं ड्रैगन टच लिखा हुआ है, और ये है विजन 4 लाइट 4K अल्ट्रा HD स्पोर्ट्स। अब ये कैसे स्पोर्ट्स है, क्या है, ये तो इसको देख के ही पता चले। इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ कैमरे को इस पे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। थोड़ा ब्लर हो रहा है क्योंकि ये DSLR से अपने बना रहा हूँ मैं, तो उसमें मैंने ऑटो जूम हटा रखा था। तो आप देख सकते हैं 20 मेगापिक्सल है ये CMOS व्यूअर। इसमें आपको 4K मिल जाएगा 30 FPS के साथ, जो सबसे बड़ी की है, आपको 4K मिल रहा है। और LCD की 2 इंच की LCD है इसमें, 2 इंच का, जो ठीक है, सफिशेंट है, आपको एक्शन कैमरा में इतना ही मिलने वाला है 2 इंच का। और इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जो हमें तो सिर्फ इंग्लिश से मतलब है, तो बाकी तो इससे मतलब है नहीं। और मेन चीज़ है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं लेंस इसका बहुत बेहतरीन है। इसमें वाइड एंगल 170 डिग्री तक का वाइड एंगल खींच सकते हैं। ये खुद वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन वाटर प्रूफिंग केस के साथ आता है, और थोड़ा सा ये अच्छी बात है। तो इसमें आपको मिलेगा एक एक्सटर्नल माइक सपोर्ट, माइक इसके अंदर नहीं आता है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, तो सपोर्ट उन्होंने मेंशन किया है, माइक मेंशन नहीं किया। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है रिमोट कंट्रोल, इसमें एक रिमोट आएगा EIS, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है, 4K रिकॉर्ड करता है, 170 डिग्री का वाइड एंगल आता है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब मैं एक्शन कैमरा की पड़ताल कर रहा था तो मैंने बहुत दिनों तक पड़ताल की, मैंने GoPro भी चेक किया, मैंने GoPro के रिव्यू देखे, तो जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या जो बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझिए कि साइकिलिंग या बाइकिंग या ऐसे बाइकर्स होते हैं, वो GoPro यूज़ करते हैं। अदरवाइज मैंने जितने लोगों से पूछा तो नॉर्मली लोगों का ये कहना है कि उन्होंने शौक शौक में खरीदा था, बाद में उसका यूज़ ही नहीं आया, बाद में वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि जब इतने पैसे बिगाड़ने हैं और थोड़ा चेक ही करना है, तो क्यों ना अपने बजट में चेक किया जाए। तो मैंने इसको देखा, आप देख सकते हैं ये 5100 इसमें प्राइस आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली ये 5300 में मिल रहा था ये 5500 का, लेकिन उसमें भी 300 डिस्काउंट था, प्लस रिपब्लिक डे सेल पे उस पर 300 रुपये प्लस 500 रुपीज़ अलग से, तो मुझे ये 4500 में पड़ा। इन शॉर्ट, जो आपके काम की चीज़ है, तो मैं ये खोल के आपको दिखा देता हूँ बॉक्स। ये देखिए बॉक्स, बड़ा ही प्यारा सा बॉक्स है। बाकी जो एक्शन कैमरे आते हैं उसमें बॉक्स ऊपर से दिख जाता है, कैमरा ऊपर से दिख जाता है, लेकिन ये ऊपर से नहीं दिख रहा है। मैं अभी कैमरा साइड कर देता हूँ, और कैमरे में आपको एक रिमोट भी दिख साइड में लगा हुआ दिख रहा होगा। और इसमें एक्सेसरीज, एक्चुअली ये कार्ड भी आया है, ये ड्रैगन टच कार्ड। अब ये कार्ड क्या है इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये है क्या कार्ड। ये बेसिकली मेरे ख्याल से, हाँ, ये 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी, 1 साल की वारंटी तो इसमें आपको आएगी ही, 1 साल आप और एक्सटेंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, तो कृपया वीडियो पूरा देखें। और मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे वीडियो बहुत जेन्युइन होते हैं, क्योंकि मैं कोई अभी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं कि मुझे कोई पैसे दे मतलब ऐसे वीडियो बनाने के। तो जो मैं खरीदता हूं, जो मैं खुद ऑब्जर्व करता हूं, वही मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप जेन्युइन रिव्यू देख रहे हैं तो ही मेरे वीडियो देखें। ये है एक्सेसरीज का बॉक्स, एक क्विक रेफरेंस गाइड है, बहुत ही आधा एक पेज की तो इन्होंने गाइड दिया है, किसी काम की नहीं है। हालांकि इसमें एक बार कोड है जिसके थ्रू आप ऐप डाउनलोड कर सकेंगे, तो वो ऐप मैं आपको बता दूंगा कौन सा है। और ये रही पूरी एक्सेसरीज, पूरी एक्सेसरीज का बंडल मैं आपके सामने खोल के रख दिया हूँ। देखिए क्या क्या है इसमें। ये सबसे पहले एक बाइक माउंट है, ये बाइसिकल में भी लग जाता है और बाइक्स के हैंडल पे भी लग जाता है,
तो ये हैंडल माउंट है जिसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा इसमें ये एक साइड माउंट है जो कई लोग इसको हेलमेट पे भी यूज़ करते हैं, कई लोग इसको एडिशनली साइकिल वगैरह में या किसी वॉल पे या कैसे भी फिक्स कर सकते हैं। ये जो माउंट है ये आपको हेलमेट में एज ए कनेक्ट काम करने के लिए आएगा। ये एब्सोल्यूट हेलमेट माउंट है जिसमें आप इसको मतलब एक्चुअली ये हेलमेट माउंट ही होते हैं, चाहे आप बाइक के लिए लें, चाहे आप बाइक का हो, चाहे बाइसिकल का हो। ये ट्राइपॉड का माउंट है जिसमें आप जिसको आप ट्राइपॉड पे लगा सकते हैं, मतलब इसके थ्रू आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, जो व्लॉगर्स हैं उनके लिए यूजफुल हो सकता है। ये कुछ स्ट्रैप्स हैं, प्लास्टिक स्ट्रैप्स, ताकि इसको आप टाइट कर सको। एक मेटालिक स्ट्रैप भी है ताकि आप उसको टाइट कर सको जहां भी रख रहे हो, खासकर जब आप इसको बाइक में यूज करोगे तो इन स्ट्रैप्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि बाइक चलाते चलाते ऐसा ना हो कि अचानक गिर जाए, ठीक है। हेड माउंट जब लोग करते हैं तो अक्सर तेज चलाने पर कुछ होने पर गिर जाता है। ये स्ट्रैप है जो उस क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं इस रिमोट के साथ ये कनेक्ट होगा। ये रिमोट प्रॉपरली वर्किंग है, आप देख सकते हैं, एक ऊपर वाला फोटो के लिए, नीचे वाला वीडियो के लिए है, और ये स्ट्रैप से बहुत ही शानदार तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो आप रिमोट रहता है ना तो थोड़ा यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। ये कुछ वेलक्रोज हैं जो कनेक्ट होंगे, वेलक्रोज मतलब वो चिर चिर करके जो आवाज़ आता है ना वो वेलक्रो। ये जो कनेक्ट है, ये हेलमेट कनेक्ट है ये भी, और ये है यूएसबी केबल, नॉर्मल यूएसबी केबल है। मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि केबल आपका गुम जाए तो काम नहीं बनेगा, तो भी आप काम बना सकते हो क्योंकि बहुत ऑर्डिनरी केबल है। चार्ज मतलब इसको आप ऐसे ही चार्ज करोगे और कोई उपाय नहीं है। ये है एक एक्स्ट्रा केस, ये केस अक्सर तब यूज़ होता है जब आपको पानी में नहीं लेकिन पानी के बाहर आप यूज़ करते हो, खासकर बाइक वगैरह चलाते समय, और आप चाहते हो कि वो डैमेज ना हो। कई लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा सपोर्ट है, और ये है ट्रांसपेरेंट केस जो पानी में जाने पे काम आएगा, मतलब पानी में सपोर्ट करेगा, तो वो एक्स्ट्रा केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। ये दो बैटरीज हैं, 1050 mAh की बैटरी है, दो बैटरीज हैं, तो ऑब्वियसली आप इसमें थोड़ा मान सकते हैं कि आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया था लेकिन इसका बैटरी बैकअप आप मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा मानिए, एक घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि देगा, बहुत स्ट्रेच करेंगे तो सवा घंटे, तो सवा घंटे एक बैटरी चल जाएगी। तो दोनों बैटरी मिला के आप मान लीजिए लगभग ढाई घंटे के आसपास आप इसको चला सकते हैं, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि ये बैटरी चलने वाली है, क्योंकि बैटरी का जो 1050 लिखा हुआ है वो सिर्फ लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक कि वो इतना यूजफुल है। एक्चुअली ये बहुत टाइट है तो मुझे लगा शायद मैं गलत खोल रहा हूँ, खुलेगा वो सामने की तरफ से ही, सामने की तरफ से ही खुलना है, यस लाइक दैट, मुझे पहले गलती हो रही थी तो अच्छा हुआ मैंने तोड़ा नहीं उसे। फिर ये देखिए, ये है कैमरा, ये है कैमरा सामने की तरफ से, बहुत छोटा, बहुत ही क्यूट है। ये 2 इंच की स्क्रीन है तो आप समझिए कितना छोटा होगा, ये बहुत ही छोटा है एक्चुअली। ये आपको एक यूएसबी का है और एक माइक्रो एचडीएमआई केबल के लिए है। ये है स्पीकर का स्लॉट और उधर है माइक्रो एचडी स्लॉट। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखा देता हूँ आपको। हाँ आप देखिए, ये वाला है माइक के लिए, ये है एचडीएमआई मिनी एचडीएमआई, और ये इसके बाजू में जो है ये इसमें कार्ड आप लगा सकते हैं, बस इतना सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो ऊपर वाला बटन है इसमें ऊपर नीचे करने के लिए, जब आपको वाईफाई कनेक्ट करना है तो आप ऊपर वाला बटन एक बार दबाएंगे, वाईफाई इसका ऑन हो जाएगा, इसका वाईफाई 1 टच से ही स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अभी इसमें मैं बैटरी आपको लगा के दिखाता हूँ, बैटरी इंसर्ट करता हूँ। बैटरी में अच्छी बात यह है कि बैटरी में उसको पुल आउट करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी छोटा सा स्ट्रैप दिया, तो आप उसको आसानी से पुल आउट भी कर सकते हैं। और मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये शायद मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मैंने बैटरी पूरी तरह इंसर्ट नहीं की है, पूरी तरह बैटरी इंसर्ट नहीं की। तो अब मैं इसे लगा देता हूँ, ये देखिए, और अब मैं ये बटन दबाता हूँ। एक्चुअली मेरा मैं हमेशा ये पॉलीथीन तभी रिमूव करता हूँ जब मुझे वो चालू होता हुआ दिख जाए, ऐसा ना हो कि मैंने चालू किया और वो पहले से ख़राब था तो कुछ पंगे हों, ताकि ईजिली रिटर्न हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको चालू कर लिया एक बार, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई होशियारी नहीं है भाई, अपने पैसे से ख़रीदा है, कोई मुफ्त में तो आया नहीं है, अगर ये ख़राब होगा तो इजी रिटर्न हो सके, ताकि सेलर ये ना बोले कि भाई हमने आपने यूज़ किया है। तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि सभी बटन सब कुछ काम कर रहा है,
जो इसका पावर बटन है वो सामने की तरफ है, ये पावर बटन था, और ऊपर की तरफ जो बटन है वो सेलेक्ट करने के लिए है। तो आपको जो भी चेंज करने हैं, जो भी मोड चेंज करना है, वो आपको सामने वाले बटन से करना है। मतलब आप ऐसे समझिए कि सामने वाले बटन से आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद ऊपर वाले बटन से उसको चेक करना है। अब ये केस को देख लीजिए, केस इसका बहुत ही प्यारा है, ये सामने भी ग्लास लगा हुआ है, मुझे लग रहा था कि शायद सामने से ऐसा ओपन है बट ऐसा नहीं है, और ये साइड में इसके बटन्स हैं जो ये आपको शाइनी दिख रहे हैं, ये बटन्स हैं एक्चुअली, ये देखिए ये सभी बटन्स हैं, ये बटन्स हैं, मतलब आप है ना इसको अंडर वाटर भी आसानी से यूज कर सकते हैं। माइक वाली जगह तो यूज नहीं होगी, कई लोग पूछते हैं कि क्या माइक यूज हो सकता है अंडर वाटर, तो भाई साहब नहीं यूज हो सकता, लेकिन हाँ ये केस बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। और इसमें ये देखिए रबर की ऐसी स्ट्रैप लगी है तो ये इसको एब्सोल्यूट वाटरप्रूफ बनाता है, बहुत ही प्यारा है। मतलब मैं केस को तो 100/100 दूंगा, बहुत ही प्यारा केस है। और जो कंपनी के केस आते हैं एक्चुअली वो बहुत टेस्टेड होते हैं, इसीलिए वो वाटरप्रूफ लिख पाते हैं, तो शक करने की तो कोई बात ही नहीं, कोई वजह ही नहीं है शक करने की, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वापस इसको इसमें फिट कर दिया और बहुत ही शानदार लुक दिखता है। मतलब कैमरा तो अपने आप में ही एक बेमिसाल लुक के साथ आता है, ऑर्डिनरी कैमरा या चीप लुक बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा मत सोचे कि चीप लुकिंग है, प्राइस कम है। तो अब मैं इसमें आपको वाईफाई कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसा कि आपको बताया, मैं तभी इसको ऑन करूँगा जब मैं श्योर हो जाऊँगा कि सब कुछ सही है। तो पॉलीथिन मैं इसकी रिमूव कर दूंगा, तब तक के लिए आप थोड़ा धैर्य रखें। ऑब्वियसली मैं पॉलीथिन रिमूव करके फेंक दूंगा, उस पॉलीथिन से थोड़ी ना यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो चलिए मैं इसमें अब आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आपको इसमें टाइप करना है ये लाइव डीवी ऐप आपको डाउनलोड करना है, LIVE DV लाइव डीवी ऐप आप डाउनलोड कीजिए। आपके सामने मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, आपके सामने मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। और उसके बाद जब ये ऐप डाउनलोड हो जाए, तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको मात्र करना ये है कि आपको इसमें ये देखिए पहले इसको लॉन्च कर दीजिए, मतलब चालू कर दीजिए। जब आप चालू करेंगे तो इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना रहेगा। तो ठीक है, वो लोकेशन मांग रहा है, हमने लोकेशन दे दी। एक गलती मुझसे हो रही थी बार बार, ये तो मैंने ऑडियो बाद में डाला तो आपको बता रहा हूँ, गलती हो रही थी कि मैं इसका वाईफाई ऑन नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, मुझे लग रहा शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो मैं इसका केस निकाल लेता हूँ, क्योंकि केस निकाल लेता हूँ और अभी श्योर है कि ये सही काम कर रहा है, तो इसका पॉलीथिन भी हटा देता हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आई एम वेरी मच श्योर कि अब कोई मतलब नहीं है पॉलीथिन लगा के रखने का, ठीक है। तो हटाते हैं पॉलीथिन, तो मैंने आज ही नेल्स काटे हैं तो ये आ नहीं रहा है मेरे हाथ में। दोस्तों आप बोर मत होइए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना, प्लस वाईफाई कनेक्ट करना, तीसरा होता है ये कैसे फीचर्स के साथ आता है। आपको बहुत सारे लोग इसको ड्राइव करते हुए दिख जाएंगे, बहुत सारे लोग बता देंगे कि हाँ ये कैमरा ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने वाईफाई कनेक्शन और वारंटी क्लेम ये मैंने नहीं देखा है। तो मैं वो दो प्राइमरी चीज़ें करूँगा, ज़रूर करूँगा इसी वीडियो में। हाँ ये बात ज़रूर है कि जब ये सब हो जाएगा तो मैं अगले वीडियो में इसका जो पिक्चर क्वालिटी है या वीडियो क्वालिटी है वो आपको ज़रूर ज़रूर बताऊँगा। तो इसको हटा ही देते हैं, ये मेरे आँखों आ नहीं रहा, थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है, तो इसको हटा देते हैं। एक दो तीन आ जा भाई हाथ में। तो वो क्या एक्चुअली सीन ये है कि इस हाँ जब आप इसको हटाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसके अंदर भी एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है पहले से, तो क्योंकि स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है तो कोई वांदे नहीं है और अच्छा है आपको, तो आप इसको आसानी से हटा दीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको कर दिया रिमूव और स्क्रीन गार्ड वहीं पर ही है, ठीक है। और सामने का भी पॉलीथिन हटा देता हूँ, और सामने का पॉलीथिन भी अच्छा है यार, स्क्रीन अच्छी दिख रही है, LCD स्क्रीन है बट क्वालिटी अच्छी दिख रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो चलिए मैं वाईफाई वापस एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने के लिए कि वाईफाई कैसे कनेक्ट होगा। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा दिख रहा है। वाईफाई कनेक्ट करते समय दो चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, आपको इसके ऊपर वाली नॉब को टच करना है, जो साइड से नॉब दी है ना, इसमें ऊपर वाली नॉब टच करनी है, जो दो ऊपर नीचे के बटन थे ना साइड में, उसमें ऊपर वाला बटन टच करेंगे तो वाईफाई आ जाएगा। जैसे ही वाईफाई आ जाएगा, इसका पासवर्ड वही है 1234 से लेके 0 तक, ठीक है। मैं बहुत देर तक ट्राई किया लेकिन एक्चुअली वो स्क्रीन पे ही लिखा था PWD करके लिखा था, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि PWD मीन्स पासवर्ड को लेके बोल रहा है। तो ये देखिए कनेक्ट हो गया, ये बहुत आसान है,
वो पूछ रहा है कि आप इसको पूरे टाइम यूज़ करना चाहते हैं या विदाउट इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं। मैं अभी विदाउट इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। वाईफाई का मतलब यहाँ पर है एक काइंड ऑफ हॉटस्पॉट के वाया ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, है ना। वाईफाई का मतलब ये मत समझिए कि इंटरनेट है या इंटरनेट के थ्रू चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए अगर ये आपके दिमाग में है। हाँ, अब ये देखिए, ये कैमरा जैसे मैं घुमा रहा हूँ, ये देखिए कैमरा मैं घुमा रहा हूँ, ये फोटो आ रही है। एक चीज़ जो आप ऑब्जर्व करोगे, पिक्चर क्वालिटी अच्छी ज़रूर है लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा घुमाते हैं वो फट रही है। मतलब हो सकता है ये डिस्टॉर्शन या जो ये फट रहा है मे बी बिकॉज कि वो शायद वाईफाई में ही होता हो, रियल वीडियो या रियल उसमें तो मुझे नहीं लगता होता होगा। तो वाईफाई में तो यकीनन आप देख सकते हैं थोड़ा डिस्टॉर्शन है, मतलब ये ऐसे फट रहा है। हाँ, वाईफाई में आप कमांड ज़रूर पूरे दे सकते हैं, आप पूरे कमांड दे सकते हैं फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए, पूरी गैलरी चेक कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सॉरी फोटो वीडियो सब आप इसमें देख सकते हैं, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं इसमें। मतलब रिमोटली ये आपके फ़ोन से पूरी तरह कनेक्ट हो जाता है, पूरी तरह। ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा क्योंकि आप ऐसा समझ जाइए कि आपके पास एक फ़ोन है जिसको आपने कनेक्ट करके रखा है और अगर आप दोनों आसपास हैं तकरीबन 10 मीटर, ऐसा कंपनी बोलती है, बट सेफर साइड आप 5 मीटर समझिए, या एक ही रूम में है, तो आप ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। थम्स अप फॉर दिस, अमेजिंग। अब मैं आपको एक बड़ी अमेजिंग चीज़ इसके लिए बता देता हूँ कि इसमें है ना, ये जो वाईफाई का शेयरिंग है ना, ये आपके बहुत काम आ सकता है। इफेक्ट आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं पूरी तरह से। अब मैं इसमें आपको वारंटी कैसे चेक करनी है या वारंटी कैसे बढ़ानी है वो दिखा देता हूँ। तो वारंटी बढ़ाना बहुत ही सरल तरीका है, ऑनलाइन ही जाना है www.dragon, आप ड्रैगन लिख दीजिए बस, उतने में हो जाता है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा बस ये लिख दीजिए और क्लिक कर दीजिए dragontouch.com/warranty। बहुत ही सिंपल है और ये देखिए आपके पास आ गया, रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते समय आपको आपकी नॉर्मल डिटेल्स जैसे आपका नाम, लास्ट नेम, मतलब ये सब डालना है, नॉर्मल चीज़ें डालनी है, और इसको आप वैलिडेट कर लीजिए, भर लीजिए। जैसे आप वैलिडेट करेंगे आपका प्रोडक्ट 2 साल की वारंटी इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये देखिए, तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, किस तरह का ये प्रोडक्ट है, एक्शन कैमरा है, कौन सा है, version 4 है। अच्छा, 4 के बाद 4 लाइट इन्होंने नहीं बताया, तो मतलब 4 ही आपको डालना है, ठीक है। और मैं फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ, शायद ऐसा तो नहीं 4 लाइट कहीं और छुपा हुआ हो, नहीं है, तो मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। और इसमें आपको और एडिशनली कुछ नहीं करना है, ये देखें कुछ नहीं करना है, अदर्स वगैरह कुछ नहीं, वही एक्शन कैमरे डालना है 4। और ये लिखने के बाद यहाँ पे मैंने गिफ्ट नहीं भाई, मैंने पैसेज खरीदा है, तो गिफ्ट के लिए नो, और amazon.com से खरीदा है। ऑर्डर आईडी पूछ रहे हैं, ऑर्डर आईडी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ऑर्डर आईडी मुझे एक्चुअली देखना पड़ेगा, तो मैं देख लेता हूँ ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर आईडी आपका ये मल्टीपल डिजिट एक नंबर होता है जो आपके ऑर्डर के साथ आता है, तो ये आपको शायद सेकंड कॉलम में इनवॉइस जो आपको आया उसमें दिख जाएगा, तो मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बिना ऑर्डर आईडी के वो मानेंगे नहीं कि आपने जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदा है, और जब वो वेरीफाई कर लेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन का मेल भी भेजेंगे कि हाँ जेन्युइन प्रोडक्ट है आपका, नहीं तो आप सोचो कि रैंडम कुछ ऑर्डर आईडी डाल दें और काम चल जाए, तो वो तो नहीं होने वाला। इस देखिए वारंटी को हमेशा बहुत सिंसियरली चेक करना चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं वारंटी वाले पार्ट में थोड़ा लेजीनेस दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि यार वारंटी कैसे क्लेम होगी। अगर कुछ कंपनी ने रूल्स बनाए हैं तो आप रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करो ताकि आप उनको वारंटी के लिए भी कुछ बोल सको, नहीं तो आप सोचो ना कि आप वारंटी मांगोगे और वो देंगे नहीं तो कैसा लगेगा। तो ऑर्डर आईडी मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर आईडी से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऑर्डर आईडी से कुछ फर्क ज़्यादा पड़ेगा, मतलब मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डालने में, लेकिन क्या आजकल बहुत सारा मार्केट में ये सब होता है तो थोड़ा लगता है मुझे भी डर, मेरे साथ ऑलरेडी HDFC का एक फ्रॉड हो चुका है। तो देखिए ये सब डिटेल मैंने डाल दिया, मैं आपको बहुत हौले हौले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 90% लोग मेरे जैसे होते हैं जो सीधे साधे हों और जिनको है ना थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, हम लोग इतने बड़े टेक गाइज नहीं हैं, हम चाहते हैं कि बस अवेयरनेस हो,
पूरी डिटेल भाई साहब आप भर दीजिए, अपनी मर्जी से देख के सोच समझ के भर दीजिए। 5 मिनट ज़्यादा लगेगा चलेगा, बट प्रोडक्ट अच्छी तरह वैलिडेट होना चाहिए, क्योंकि वैलिडेट प्रोडक्ट अच्छी तरह नहीं हुआ इसमें आपका घाटा, इनका कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो ये सब भरने के बाद इज योर प्रोडक्ट वर्किंग फाइन, अभी तो ख़रीदा है यार, तो यस ऑब्वियसली वर्किंग वेल, और कर दीजिए सबमिट। और सबमिट के बाद ये हो गया थैंक यू, तो हो गया भाई अपना प्रोडक्ट डन। तो दोस्तों आपके लिए मैंने ये किया अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा सेटअप इस कैमरे का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।